हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैच आइडल। दोस्तों बड़े मियाँ छोटे मियाँ अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, अब ये फिल्म का जो टीजर आया तो लोगों ने ना बज नहीं हुआ, टीजर का लोगों को उतना पसंद नहीं आया। पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया लोगों को? जैसे मैंने अभी हाल ही में रिलीज फिल्म फाइटर के बारे में कहा था कि अगर आप पेट्रोलिज्म फिल्म बना रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये डायलॉग बाजी आमने सामने और हैंड फाइट रॉ फाइट होनी चाहिए तो ही ऑडियंस को पसंद आएगी। ये बात फाइटर फिल्म में नहीं थी और इन डेट फिल्म बिकेम अ डिजास्टर। दूसरी पेट्रोटिक फिल्म जो आई थी इस साल, जो जैसे गदर एक फिल्म है सनी देओल की, शाहरुख खान की पठान, भाई दे बिकेम ब्लॉकबस्टर, जवान भी ब्लॉकबस्टर हो गई, तीन फिल्में की ब्लॉकबस्टर हो गई। तो डायलॉग बजी थी, हैंड फाइट रॉ फाइट थी तो ऑडियंस को मजा आएगा। पेट्रोटिक फिल्म बना रहे हो तो वो सब होना जरूरी है। अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ में सब गन शूटिंग है तो वो ऑडियंस को नहीं मजा आता दोस्तों उतना। अब देखो जब टाइगर श्रॉफ की खुद की फिल्म बागी जब रिलीज हुई थी, बागी टू, उसको 25 करोड़ की ओपनिंग मिली थी। उस वक्त 25 करोड़ बहुत ज्यादा थे, बम्पर ओपनिंग मिली थी, क्योंकि उस पिक्चर का जो एक्शन सीन है, सबसे क्लाइमेक्स का जो 20 मिनट का एक्शन सीन बताए, 20 to 25 मिनट्स का एक्शन सीन, डेट वॉज माइंड ब्लोइंग। और रॉ फाइट जो टाइगर श्रॉफ ने की उसमें भी वो फौज में ही थे, ठीक, और उसके पहले भी कुछ एक, जब वो पुलिस स्टेशन में वो पुलिस अफसर को एक पंच मार के दांत तोड़ देते हैं और किस तरह से पूरे एक्शन बताया, तो लोगों ने बहुत सीटियां बहुत तालियां बजाई। और क्लाइमेक्स में जो रोप पकड़ के गन, माइंड ब्लोइंग एक्शन, तो रो एक्शन में लोगों को मजा आया, तब जाके वो फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी थी। बागी टू बहुत बड़ी ओपनिंग लगी थी पिक्चर को। उसके बाद अक्षय कुमार की फिल्म हॉलीडे आई थी, उसमें भी वो फौज में ही थे, जो उनका जो रॉ एक्शन बताया क्लाइमेक्स में, जबरदस्त एक्शन सीन, लोगों ने कितने सीटियां तालियां बजाई उसके पहले एक एक्शन, तो वो सब रॉ एक्शन सीन होगा तो ही लोगों को मजा आएगा, भले आप फौज में हो कहीं भी हो। फिर मेकिंग अ पेट्रोटिक फिल्म तो एक्शन फिर रॉ ही होना चाहिए। वो गन शूटिंग थोड़ा चल जाएगा लेकिन थ्रू आउट द फिल्म अगर आप बताओगे तो वो पब्लिक को हजम नहीं होगा। यहाँ पे लोग फौज में बताए, डायलॉग तो अच्छा हमारा अक्षय और टाइगर ने, लेकिन वो गन फाइट बताए उसमें इतना लोग मजा नहीं उठाते, वो सीटियाँ तालियां बजेगी नहीं थिएटर में। आई होप, शायद टीजर में नहीं बताया, शायद फिल्म में हो। अगर फिल्म में अगर एक्शन होगा जबरदस्त, हाथापाई होगी जबरदस्त टाइगर अक्षय की विलन्स के साथ, डायलॉग बाजी होगी, तो फिल्म जरूर ब्लॉकबस्टर बनेगी। लेकिन जो टीजर कट किया है वो टीजर बहुत गलत किया है, जिसने भी किया है वो सही कट नहीं किया है, ऑडियंस निराश हो गए। आपने देखा कि व्यूज भी उतने नहीं मिले पिक्चर को, थोड़ी टीजर को। तो इफ यू आर मेकिंग अ पेट्रोटिक फिल्म तो वन थिंग ऑलवेज कीप इन माइंड, डायलॉग बाजी एंड एक्शन सीन होनी चाहिए तो ही मजा आएगा। जैसे हमारे मनोज कुमार साहब, देखो क्रांति, अप्सरा थिएटर मुंबई के अप्सरा थिएटर में 100 वीक्स चली थी। क्यों चली थी? क्योंकि उसमें मनोज कुमार साहब ने जो डायलॉग बाजी, दिलीप कुमार साहब ने डायलॉग बाजी, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, सब जो डायलॉग बाजी मारी थी, एक्शन सीन्स किए थे, रॉ एक्शन सीन, तब जाके वो फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी थी। वो 80s की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मानी जाती है। तो वही अगर फिर मेकिंग पेट्रोल फिल्म देन खड़ 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 नहीं चलेगा, तब भिशुम भिशुम ही चलेगा और डायलॉग बाजी चलेगी। तो लेट्स सी क्या होता है बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, जब वो फिल्म का ट्रेलर आता है कितना रॉ एक्शन होता है, वो जब फिल्म रिलीज होगी तब क्या होता है। लेकिन एज फॉर टीजर इज नॉट अप टू द मार्क। So let's see. Till then, watch my channel. Bobby the Mad Knight. Say goodbye and God bless you all.